नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित वेद प्रकाश जोशी आप सभी का हमारे चैनल राम राजन में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार और शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से जानते हैं। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से वैभव धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी पैसों की किल्लत या फिर भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसी कारण हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दर्शकों, रविवार को जो है पुख्य नक्षत्र में कुश मूल को लेकर के आए और गंगा जल से इसे धोकर शुद्ध कर लें। अब इसे देवता मानकर घर के मंदिर में रखकर विधिवत पूजन करें। बाद में इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट करके तिजोरी या फिर धन स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और व्यक्ति को, जनमानस को कभी जो है पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि पैसों की कमी है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और घर घर में कभी भी जो है पैसों की कमी नहीं होती। एक उपाय इस प्रकार से भी है कि काली चींटियों को चीनी, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे जो है काम में आ रहे व्यवधान अवरोधों से जो है छुटकारा मिलता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की का पूजन करने से, अर्चन करने के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा करने से ही जो है श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जो है माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति ही प्रिय है, इसीलिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में कमल का एक फूल अवश्य अर्पित करें। यदि जनमानस के वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकरार, थोड़ी समस्या चल रही है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में, जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ बेडरूम में जो है प्रेमी पक्ष की एक युगल तस्वीर को जो है लगाएं। इससे जो है वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, मधुरता और प्रेममय, आनंदमय, कल्याणमय वैवाहिक जीवन हो जाता है। तो दर्शकों, आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे और प्रसन्नो भव सर्वदा। सभी पर जो है माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि, अटल वरद हस्त, छत्र छाया हमेशा बनाए रखें और आप सबका कल्याण हो। जय माँ लक्ष्मी।